बेकाम हुए लोगों को अब सरकारी राशन कोटेदार की मार झेलनी पड़ रही है। कानपुर देहात के राजपुर हो या सिकंदरा या फिर मूसा नगर क्षेत्र के सरकारी राशन दुकानदार अपनी पुरानी खाओ कमाओ नीति के चलते गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, असहायों को परेशान कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम और जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं। जमकर राशन वितरण में धांधली की जा रही है, जिसके चलते गाँव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ ग्रामीण परेशान होकर तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। कोटेदारों को ना तो सरकार का भय है ना प्रशासन का, वो अपने पुराने रवैये पे काम कर रहे हैं। कोटेदार कुछ को कम राशन और कुछ को अधिक पैसा लेकर राशन दे रहे हैं। पास राशन कार्ड भी नहीं, जहां जाते हैं वहां सुनते भी नहीं। हम मजदूरी करने निकलते हैं तो पुलिस 8 बजे के पहले थाने के अंदर बैठा लेती है। उसके बाद जब शाम आती है तो मैं आती तहसील मुलजिम बन के, तो वहाँ पर वकील मांगते हैं 1000-2000। मैं चाहे 2 दिन की भूखी हूँ, चाहे 3 दिन की भूखी हूँ, तिकिल कोई सुनवाई नहीं करता है। जब ही मुलजिम छूटते हैं, जब पैसा ले लेते हैं। इससे ये है कि हम लोग को राशन कार्ड तो बने हैं, 20 में 10 लोग को बने राशन कार्ड, और लोग को तो बने नहीं। गरीब आदमी बेचारे रोजनदारी हुए, खाते पीते हैं, और वो भी बंद है धंधा पानी, वो भी बेचारे कुछ मिलते नहीं, बच्चे भूखे प्यासे मरते हैं। और राशन भी है तो आधा काट के देते राशन, और फिर भी है कि उनट काट देते, कहते तहसील भगो, बार बार भगते हैं, तहसील भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। फिर आते फिर कहते इसमें करो उसमें करो, चेयरमैन हमारा हमारे लिए खिलाफ कंजड़ों के लिए कुछ नहीं कर रहा, कह रहे मरते हो कल तो आज मर जा। नहीं ऐसा नहीं है, मुस्लिम परिवार को दिया जा रहा है, सामान्य को नहीं दिया जा रहा है, या सामान्य को दिया जाएगा मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा, ये सब गलत बात है। जिसके पास राशन कार्ड है उसको खाद्यान्न मिलेगा, नहीं है तो उसकी व्यक्तिगत मदद कर सकते हैं, व्यक्तिगत मदद करेंगे, जो मेरे सहयोग हो सकेगा मैं कर दूंगा। और कोरोना वायरस महामारी